नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक कौशल विकास निगम के अध्यक्ष श्रीकांत अम्मा कांता ने बीदर जिला स्तरीय कौशल मिशन की बैठक की। कर्नाटक सरकार ने टीबी बांध की मरम्मत की योजना बनाई। 52 मिलीमीटर बारिश से बेंगलुरु में हालात हुए काबू। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी, खड़गे की बड़ी मीटिंग, पार्टी महासचिव और सभी प्रदेशों के अध्यक्ष बैठक में शामिल। कोलकाता रेप मर्डर केस, क्या प्रिंसिपल का बयान दर्ज हुआ? कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए लेकिन समाचार विस्तार से। कर्नाटक कौशल विकास निगम के अध्यक्ष शिवकांतम्मा कांता आज बीदर जिला कलेक्टर कार्यालय हॉल में बीदर जिला स्तरीय कौशल मिशन की बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी डॉ गिरीश बडोले आदि उपस्थित रहे। विशेषज्ञों की एक टीम ने तुंगभद्रा बांध के टूटे हुए क्रेस्ट गेट नंबर 19 को ठीक करने के लिए दो योजनाएं बनाई हैं। योजनाएं राज्य सरकार के समक्ष रखी गई हैं और इस सप्ताहांत तक मरम्मत का काम पूरा होने की उम्मीद है। हाइड्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बांध के विशेषज्ञ एन कन्हैया नायडू और टीम के अन्य सदस्य टूटे हुए क्रेस्ट गेट को ठीक करने के लिए कमर कस रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकारों ने बांध स्थल पर दो विशेषज्ञों को तैनात किया है ताकि उन्हें वहां की स्थिति से अवगत कराया जा सके। नायडू की योजना ए के अनुसार टीम बांध में पानी का भंडारण 60 TMCFT तक कम होने तक इंतजार करेगी, उसके बाद मरम्मत कार्य शुरू करेगी। टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि योजना बी के तहत तीन भारी धातु की चादरों का उपयोग करके मौके से पानी को मोड़ने के बाद गेट का आधा हिस्सा स्थापित करेगी। सोमवार सुबह शहर में भारी बारिश हुई जिससे कई सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए। जय भारत नगर में एक पेड़ गिरने से 4 स्कूली बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए। शहर में 53 मिलीमीटर बारिश हुई। अमृतहल्ली के मुनिस्वामप्पा लेआउट, पुलिकेशी नगर की एसी कॉलोनी, कमासांद्रा के डैडी लेआउट और अन्य निचले इलाकों में कई घरों में बारिश का पानी घुस गया जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई अपार्टमेंट परिसरों के बेसमेंट में भी पानी भर गया। वर्थूर, बेलंदूर, कड़ू बीसनहल्ली, सिल्बोट जंक्शन पर ट्रैफिक जाम के कारण ऑफिस जाने वाले छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। केआर मार्केट और दासनपुरा एपीएमसी मार्केट में उतारी गई सब्जियां यहां बह गई। सिकपेट एवेन्यू रोड और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्सों में कारोबार प्रभावित हुआ। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस नेतृत्व ने मंगलवार को पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तिथियों तथा संगठनों को लेकर चर्चा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय 24 अकबर रोड पर हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। आगामी चुनाव की तैयारी के साथ साथ जातिगत जनगणना की मांग को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के SC ST आरक्षण के फैसले पर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी पार्टी नेताओं से सुझाव और राज्यों में पार्टी के बारे में फीडबैक भी लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इस बीच कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की दूसरे संस्थान में नई नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की जमकर क्लास लगाई। अदालत ने कहा है कि प्रशासनिक पद पर रहते हुए पहले उनका बयान दर्ज होना चाहिए। क्या प्रिंसिपल का बयान दर्ज हुआ? साथ ही घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था तो उन्हें दूसरे अस्पताल में नियुक्ति कैसे दी जा सकती है? याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस TS शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि जांच में कुछ कमी है और पूछा कि क्या मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान दर्ज किया गया था, जिसका राज्य के एडवोकेट ने अपना जवाब न में दिया। इसके बाद जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच ने राज्य की ओर से पेश एडवोकेट से आज दोपहर 3 बजे तक छुट्टी का आवेदन देने को कहा, अन्यथा कोर्ट उन्हें पद छोड़ने का आदेश पारित करेगा। चीफ जस्टिस की बेंच ने यह भी जिक्र किया कि प्रशासनिक पद पर होने के बावजूद मामले में उनसे सबसे पहले पूछताछ की जानी चाहिए थी। कोर्ट ने राज्य के एडवोकेट से यह भी पूछा कि वे उन्हें क्यों बचा रहे हैं। तेलंगाना के नालकल मंडल के डबपुर ग्राम में किसानों के धरने में जहीराबाद के विधायक माणिक राव शामिल हुए। दरअसल किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि खेती की भूमि फार्मा कंपनी निर्माण के लिए नहीं देंगे और इस क्षेत्र में फार्मा कंपनी का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। माणिक राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह किसानों के साथ है। ओके ना, ये रोज़ नेलकन मंडल लोनी 3 ग्रामाला भूमुलनु कन्नबिड्डलांटी पेंचुकुन्नटुवंटी भूमुलनु प्रभुत्वं ఈ యొక్క ఫార్మా కంపెనీ పెట్టి రైతుల యొక్క గొంతు కోసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇంత చక్కటి పొలాలు పంటలు పండుతున్నాయి, ఇంత చక్కటి మరి ఈ భూములు మనం భూమాతను కొలిస్తే మరి రైతులు ఆనందంగా ఎంతో దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతు మరి కాపాడుకొని పోయి ఇప్పుడు ఫార్మా కంపెనీకి పెట్టి మరి రైతుల గొంతు కోస్తున్న పరిస్థితి. కాబట్టి నేను ప్రభుత్వానికి, నేను ఈ ప్రజల తరపు నుంచి, నేను రైతుల తరపు నుంచి కోరుతా ఉన్నాను, దయచేసి దయచేసి ఒక అమ్మ గట్టిగా ఏడుస్తూ ఉన్నది, కన్నీరు పెడతా ఉన్నది, మారమ్మ మహిళల కన్నీరు మంచిది కాదు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే దయచేసి. నా పేరు రవికుమార్, నేను డప్పూర్ గ్రామ నివాసిని, వ్యవసాయదారుణ్ణి. మా ఫార్మాసిటీకి సంబంధించి భూములు కోల్పోతున్న రైతుల కోసము మాణిక్రావు సార్ గారు వచ్చి మమ్మల్ని పరామర్శించడం జరిగింది. మా గ్రామంలో 1500 ఎకరాల భూమి మా గ్రామంలో పోతుంది. అందులో 1000 ఎకరాలు పట్టా భూమి, 500 ఎకరాలు మన గౌటాన్ భూమి, అలాగే పక్క వడ్డీ గ్రామం 60 ఎకరాలు పట్టా భూమి, అక్కడ ఒక 250 ఎకరాలు మన గవర్నమెంట్ ల్యాండు, అలా అదేవిధంగా మలిగిల 60 ఎకరాలు పట్ట ల్యాండు, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఒక 250 ఎకరాలు మొత్తం కలిసి మా ఫార్మాసిటీ కింద 2003 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వము తీసుకోవాలని చూస్తున్నది. దానికి మేము ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేము. మాకు సంఘీభావం తెలుపడానికి మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు సార్ గారు రావడం జరిగింది, అలాగే DCMO శివకుమార్ సార్ గారు కూడా రావడం జరిగింది. ఒక్క కొంచెం సేపు బ్రేక్ కా, జల్ దొటెంగి బ్రేక్ కి బాద్
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखिए बात, स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 13 अगस्त 1980 में मुरादाबाद ईदगाह में नमाज के दौरान हुए उपद्रव में मारे गए मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए इंडियन मुस्लिम लीग का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुरादाबाद के जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देकर मांग की, और आज के दिन 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद में ईदगाह गोलीकांड हुआ था, और इस ईदगाह गोलीकांड में सैकड़ों बेगुनाह व मासूम मुसलमान ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए उपद्रव के दौरान मारे गए थे, और इस मामले की जांच आज तक नहीं हो पाई और दोषियों को सजा भी नहीं हो पाई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय संयुक्त कोसर हयात खान ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 42 वर्ष के बाद भी ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए मारे गए बेगुनाह मुसलमानों को कोई इंसाफ नहीं मिला और गोलीकांड करने वालों को कोई सजा नहीं मिली। मांग करते हुए कहा कि मुरादाबाद ईदगाह गोलीकांड 13 अगस्त 1980 की उच्च स्तरीय अदालती है, जांच कराई जाए, इस गोलीकांड के मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे कायम कर कार्यवाही की जाए, गोलीकांड के शहीदों के वारिस सैन को उचित मुआवजा दिया जाए, ईदगाह गोलीकांड में शहीद के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। 13 अगस्त 1980 को जो एक ईदगाह मुरादाबाद के अंदर जो जबरदस्त मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, कत्लेआम किया गया था, उस सिलसिले में हम बराबर 44 साल हो गए हैं उस बात को, बराबर हम हर साल हुकूमत से इंसाफ की मांग करते हैं कि हुकूमत इंसाफ करे। अफसोस का मकाम यह है कि उस वक्त एक आयोग बनाया गया था और उस जस्टिस आयोग ने, सक्सेना आयोग ने अपनी रिपोर्ट बड़ी गुपचुप तरीके से दी थी, जिसका किसी को पता नहीं चला। 83 में वो रिपोर्ट दे दी गई और उसको एक सियासी हरबे के तौर पर योगी जी ने इस्तेमाल किया, और 40 साल के बाद उसको असेंबली के पटल पर रखा। 40 साल के बाद वो उनका अपना एक सियासी हरबा था, उससे वो कुछ सियासी मफाद हासिल करना चाहते थे, लेकिन अफसोस है कि उनका सियासी मफाद हासिल नहीं हुआ। लेकिन मुसलमानों को इंसाफ देने की कोई मंशा नहीं थी, इसलिए सियासी पटल पर रखने के बाद भी उस रिपोर्ट को कोई एक्शन उसके अंदर नहीं हुआ, और उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मालूम यह हुआ कि
एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन चिट दी गई और कुछ मुस्लिम लीडरों को उसमें नामजद कर दिया गया कि इन मुस्लिम लीडरों ने यहाँ फसाद कराया था। दरअसल सबको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है कि वो फसाद नहीं था, पुलिस एक्शन था। नमाज पढ़ते हुए लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गई थी और गोली चलाने का कोई जवाब नहीं था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद की जगह आपकी मंत्री आतिशी के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने की मांग रखी थी, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने खारिज कर दिया है। विभाग के इस जवाब से ये साफ है कि झंडा फहराने के संबंध में गोपाल राय ने जो लेटर लिखा था उसका कोई महत्व नहीं है। विभाग ने साफ कर दिया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए पहले से ही नियम बने हुए हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। छत्रशाला स्टेडियम में 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, झंडा कौन फहराएगा इस बारे में अब LG ऑफिस तय करेगा। बता दें कि गोपाल राय ने अपने लेटर में लिखा था कि वो CM केजरीवाल से मिले हैं और CM चाहते हैं कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा आतिशी फहराएं। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि जेल से CM केजरीवाल से कोई लिखित या मौखिक आदेश नहीं दे सकते, इसीलिए ये मान्य नहीं होगा। CM ऑफिस को 15 अगस्त के कार्यक्रम के बारे में बताया गया, जवाब मिला है कि CM अभी जेल में है। बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं है, वहां रहने वाले हिंदुओं को अपनी जान की फिक्र सता रही है। हिंसक प्रदर्शनकारी हिंदुओं के घरों और मंदिरों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में वहां के हिंदू भारत आने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हिंसा भरे माहौल को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद VHP ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। विहिप ने के मुताबिक बांग्लादेश में पीड़ित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, मुआवजा तथा अतिवादियों के विरुद्ध अविलंब कठोर कार्यवाही की मांग की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बहुत चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, वहां के अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। माहौल ऐसा है कि अल्पसंख्यकों को खास तौर पर हिंदुओं की विभत्स हत्याएं, उनके खिलाफ अत्याचार और उनके पूजा स्थलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों में तोड़फोड़ की गई है। विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र गोवा के मंत्री गोविंद शिंदे ने कहा है कि बांग्लादेश में जो चल रहा है पूरा देश उससे वाकिफ है। किस तरीके से वहां पर अत्याचार हो रहा है कुछ दिनों से देखा गया है कि बांग्लादेश के हिंदू जागृत हो गए हैं, वहां भी सड़कों पर उतर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में परोक्ष रूप से ईरान की भी एंट्री हो गई है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब इन आरोपों की जांच कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के संवेदनशील दस्तावेज साइबर घुसपैठ के जरिए चुरा लिए गए थे। साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के प्रचार अभियान में भी सेंध लगाने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार ट्रंप के प्रचार दल ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके अभियान को ईरान के जरिए हैक कर लिया गया है। FBI ने ट्रंप के मामले पर एक संक्षिप्त बयान जारी कर कहा, हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि FBI मामले की जांच कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के अभियान दल की ओर से ईरान की संलिप्तता का कोई विशेष सबूत नहीं दिया गया है, लेकिन यह दावा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 2024 में अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने के विदेशी एजेंटों के प्रयासों का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट जारी करने के तुरंत बाद आया। रिपोर्ट में जून में एक ईरानी सैन्य खुफिया इकाई द्वारा एक पूर्व वरिष्ठ सलाहकार के ईमेल खाते में सेंध लगाकर उससे राष्ट्रपति अभियान के एक उच्च पदस्थ अधिकारी को एक वायरस वाला मेल भेजे जाने का उदाहरण दिया गया। मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने कहा कि संदिग्ध ईरानी साइबर सेंध के इस मामले में बाइडेन और हैरिस के अभियान को भी निशाना बनाया गया है और FBI इसकी जांच कर रही है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक कौशल विकास निगम के अध्यक्ष शिवकांतम्मा कांता ने बीदर जिला स्तरीय कौशल मिशन की बैठक की। कर्नाटक सरकार ने TB बांध की मरम्मत की योजना बनाई। 52 मिलीमीटर बारिश से बेंगलुरु में हालात बेकाबू। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी, खड़गे की बड़ी मीटिंग, पार्टी महासचिव और सभी प्रदेशों के अध्यक्ष बैठक में शामिल। कोलकाता रेप मर्डर केस, क्या प्रिंसिपल का बयान दर्ज हुआ, कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा। KP News के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।